कच्चे तेल के आयात के लिए रणनीति में बदलाव कर सकता है भारत। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और वेनेजुएला से हो सकता है आयात। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। रेकॉर्ड हाई से 11,000 और इस साल अब तक 14,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से ग्रोथ बढ़ने का फिर किया दावा। कहा, देश की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर की अहम भागीदारी। कोरोना वैक्सीन को बताया सफल मिसाल। निजीकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर हो रहा है विचार। अस्पताल का पूरा बिल चुकाने के आईआरडीए के आदेश से बीमा कंपनियों पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ। इन पॉलिसी के किया जा सकता है महंगा। 25 फ्लाइट्स के साथ फिर से शुरू हो सकती है जेट एयरवेज। जालान कलक्रॉक कॉन्सोर्टियम ने जीती, दिवालिया हो चुकी एयरलाइन की बोली। सिटी बैंक पर लगे आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप। सिटीजन चार्टर की अनदेखी की शिकायत। स्मार्ट कार बनाने की तैयारी में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर शाओमी। प्रोजेक्ट को लीड करेंगे कंपनी के सीईओ ली जुन। टाटा ने लॉन्च किया सफारी का नया अवतार। 30,000 में शुरू हुई एसयूवी की प्री बुकिंग। ह्युंडई ला रही है अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा का नया 7 सीटर अवतार। इस साल के मध्य में लॉन्च होगी।